हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लाला एंड इन दिस वीडियो वी विल बी रिव्यूइंग द गेम अड्डा 52 पोकर। तो हां दोस्तों, ये अब तक मुझे इंडिया में सबसे बेस्ट पोकर खेलने के लिए जो ऐप है वो लगा वेबसाइट लगी। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड रो में लेफ्ट साइड में 52 अड्डा 52 पोकर आपको दिख जाएगा। तो ये एक्चुअली ऐप एपीके फाइल है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया मैंने। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं तो मैंने ऐसा मतलब वो देखा है कि उधर आप खेल नहीं सकते ऐसा कुछ है। तो इनकी वेबसाइट पर जाकर अगर आप एपीके फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो इनका रियल वर्जन है और आपने लोगों देखा होगा कैसा है। तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि आप उससे वो जेन्युइन है और उस पर आप बिल्कुल खेल सकते हैं, रियल खेल सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, इसका एक जो यूज़र फ्रेंडली जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि आप इजीली पैसा इसमें डाल सकते हैं और इससे पैसा निकाल सकते हैं। और ये जो आपको कैशियर का ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट में, आप देखिए चौथे नंबर पर, और वहाँ पर आप जाएंगे तो ये एड मनी विड्रॉ स्क्रैच हिस्ट्री आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल इजीली इसमें पैसा आ जा सकता है। और यूज़र फ्रेंडली काफ़ी, बहुत सारे लोग इसको खेलते हैं और ये बहुत ग्रोइंग ऐप है। और लेट्स सी, तो मैं आज कुछ पैसों को आग लगाने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए मैंने नोटिस किया है, पहली बात तो ये कि पोकर एक जुआ है, तो आप इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये गैम्बलिंग ही है। आप ये बोल के कि अरे नहीं नहीं नहीं, पोकर एक सोफिस्टिकेटेड, मतलब आप अगर इसको सोफिस्टिकेटेड बोल के और आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे तो बात अलग है, राइट। तो पोकर एक वो वर्ड हो जाएगा, अरे पोकर ये गेम है, ये जुआ नहीं, ये प्योर जुआ है। और इसमें देखिए आपको सिग्नल मिलते रहते हैं कि आप जुए में कैसे हैं। अगर जैसे मैं खेलता था बचपन में, वो अंटी खेलता था, जो अंटी होती कंचे, तो वो मैं हार जाता था। तो मुझे वहाँ पता चला कि उस टाइम की, और उसमें कुछ पैसे भी हारा था मैं, तो वो मेरे लिए सिग्नल था कि यार मैं नहीं खेल सकता। दूसरा, फिर मैं ताश के पक्षों में भी हार जाता था, तो मेरे लिए सिग्नल है कि यार देखो, वो सिग्नल आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सीधी बात है, राइट। तो मैं इस वीडियो में से भाग लगाने आया और मैं अभी तक 350, 300, 450 रुपये तक हार चुका हूँ मैं अभी इस अड्डा 52 पोकर में। उसके रीज़न है क्योंकि आप क्या, ये एक तो जो जुआ रहता है वो आपको लालच बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो बेहतर ये कि आप थोड़ा सा भी अगर कमाएं तो कमा के और वो निकल लें, आप ज़्यादा लालच ना करें एक ही दिन में। ये मेरी एडवाइस है, बाकी मुझे पता नहीं, मैं प्रोफेशनल पोकर प्लेयर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे एडवाइसेज आपको नहीं दे सकता मैं। और हाँ, अगर पोकर सीखना हो तो आप मैंने कुछ ऐप हैं इसके लिए भी, और वो आपको पता लग जाएंगे। मैं हो सकता है उसके लिए आपको सिखाने के लिए भी एक वीडियो बनाऊँ, जो ऐप है मैंने यूज़ किया था। लेट्स सी, अभी तो हम खेलते हैं। तो मैंने 50 रुपये का रियल गेम है दोस्तों, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लगा। हो सकता है आपको इसका डिज़ाइन शुरुआत में आपको इसका पसंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको, आप तुरंत ही एक दिन में ही आप आदी हो जाएंगे, मतलब आपको अच्छा लगने लगेगा। और ध्यान रखें, ज़्यादा पैसे ना लगाएं, ये गैम्बलिंग है प्योर। तो इस बात का आप मुझे गुलाम की ज़रूरत है स्ट्रेट बनाने के लिए, गुलाम नहीं आया तो मेरा कोई मीनिंग नहीं है टिकने का। मेरे ख्याल से दूसरे अभी तक बढ़ा नहीं रहे हैं, बढ़ाया इसने। और ये रिस्क है तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं फोल्ड कर दूँगा। चलो मैंने फोल्ड कर दिया, क्योंकि अगर गुलाम नहीं आया, देखिए तीन पत्तों के बाद क्या है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है पत्तों के आने की। देखिए नहीं आया गुलाम, तो मैं बच निकला इस बार। अगर मैं रिस्क ले लेता तो मैं 12 रुपये और इसमें डाल देता और वो सारे डूबने ही थे, राइट। तो आपको बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ता है, और उसके बाद भी आप गवा सकते हैं, गवाने की प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा होती है। और हाँ, जीतने की भी होती है, देखिए जीतते हैं लोग, लेकिन ये गेम ऐसा है कि आपको अपनी भावनाओं पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है और बहुत सेफ खेलना पड़ता है, रिस्क भी लेनी पड़ती है टाइम टाइम पे। अभी देखिए मैं रिस्क ले सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास 4 लाल हुए हैं, और अगर एक और लाल भी आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। लेट्स सी, 2 बढ़ा के देखते हैं, नहीं आया अभी तक। और अब मैं रिस्क चले ले लेता हूँ 2 की ओर। लेट्स सी, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। चलिए अब चेक कर लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं पैसे डालना, हो सकता किसी के पास बादशाह निकल गया तो मेरे लग जाएंगे। चलिए कॉल दो और कर लिया, ये लॉस। देखिए मुझे लगता था बादशाह, हाँ 2 पे, देखिए बेगम निकल गया, उसको स्ट्रेट बना लिया उसने, अच्छा हुआ उसने ज़्यादा पैसा नहीं डाला है। मैं तो मैं भी बच गया, देख लिए 50 में, फट से 35 पे आ गया और अब मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मतलब ऊपर में इन द सेंस कि मैं पैसा कमा भी सकता हूँ। और बहुत खतरनाक खेल है, अभी मैं इसको चेक ही करूँगा या फिर फोल्ड कर दूँगा। अगर कोई रेस करेगा तो मैं फोल्ड कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, किसी का भी फ्लश बन सकता है, राइट। तो आपको वो याद रखना टर्म्स बहुत ज़रूरी है इस गेम में, कि हाई कार्ड के बाद सिंगल होता है, सिंगल पेयर होता है, डबल पेयर होता है, फिर 2 पेयर होता है, फिर 3 ऑफ ए काइंड में फोल्ड कर देता हूँ इसको, कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि किसी का फ्लश निकल जाएगा। तो 4 ऑफ ए काइंड होता है, फिर स्ट्रेट, फ्लश और फुल हाउस। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तो आप स्ट्रेट और फ्लश में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि मेरा स्ट्रेट बन रहा है तो मैं पैसे डाल देता हूँ, और आप ध्यान नहीं देते कि सामने वाले का उसमें फ्लश बन रहा है, तो आप पैसा गवा देते हैं। अब इसको खेलने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि आप फोल्ड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका वो बनता है कुछ ना कुछ, आपका आपका पैसे, आप विनिंग उसमें होते हैं गेम में, लेकिन आप फोल्ड कर देते हैं, तो आप ऐसा होता रहता है, ये गेम है तो गेम में सब कुछ होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत एडिक्टिव गेम है और गेमलिंग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, राइट। तो आप पैसा कमाने के उद्देश्य से ना खेलें इसको, राइट। आप
एज ए हॉबी ही लें इसको, राइट। आपने दूसरे सोर्सेज से कमाते रहे, अगर आपको खेलना भी है तो बहुत मिनिमम अमाउंट से आप खेलें कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि आप ज़्यादा लालच में आप फंसाएंगे तो बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, मैंने कोई वीडियो बना दिया राइट, और मेरे दूसरे सोर्सेज हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग इसमें कमा पाते हैं राइट। और बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं मैं देखना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो अभी तो मैं 50 रुपये लेकर आया हूँ, देखते हैं क्या मैं आग लगा सकता हूँ, और पैसों को नहीं इसमें मैं डायरेक्ट चेक अफोर्ड कर दूँगा। चेक कर दिया अभी तो हमने, किसी के पास बादशाह दिखता नहीं है और हमारा बन नहीं रहा है। देखो जो भी होता है 3 पत्तों में दिख जाती है पिक्चर, मोस्टली ऐसा होता है कि आपको 3 पत्तों में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी इधर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई 2 डाल देगा, नहीं डाला इसने, ये देख लो किसी का इक्का होगा मेरे ख्याल से, नहीं नहीं पेयर बना इसका, 7 और 9 का पेयर बना। तो ये क्या करूँ, इसको मैं फोल्ड ही कर देता हूँ, चलो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बहुत सेफ खेलना हो तो क्या करें आप, अगर आपके जीतने के चांसेस इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस में देखें, मान लें 70-80 आपकी आई है तो आप उसको उस खेल को खेल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं राइट। या फिर आपके पास एक ही कलर के पत्ते हो तो आप खेल सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं राइट। और या फिर आपके पास दहले से ऊपर कोई बड़ा पत्ता हो एटलीस्ट राइट, मुझे गुलाम बेगम बादशाह का ऐसा कुछ हो और उसके साथ में कोई छोटा पत्ता हो तो भी आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर दुर्री तिर्री चौकी आई तो आपके लिए खेलने का, दुर्री तिर्री चौकी पंजी छक्की 70 तक खेलने का अगर दोनों पत्ते हैं तो फिर आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मान लो आपका उसमें कोई पेयर भी बन रहा है राइट, कि आपका कोई पेयर भी बन रहा है, मान लो दुर्री का पेयर है और एक ही पेयर बना तो कोई किसी का चौकी छक्की 80 का पेयर बन जाएगा तो भी आप गवा जाएंगे उस पेयर से। आपके हाथ में पेयर है तब भी आप गवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे 2 पेयर बन रहे हैं और मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ और मैं इसमें बढ़ाऊँगा पैसा। कमाऑन कॉल करा इन्होंने, कॉल किया और अब मैं और बढ़ाऊँगा, अब इसमें ऑल इन कर दूँ क्या दोस्तों? नहीं, थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, मेरा फुल हाउस हो रहा है इसमें, देखिए 3 बेगम और 2 सत्ती बन रही है, मेरा फुल हाउस है और फुल हाउस फ्लैश और स्ट्रेस दोनों से ज़्यादा होता है, इसलिए मैं लेट्स सी ये बंदा कितने डालता है और मैं अब इसको ऑल इन करने वाला हूँ क्योंकि ये मैं 100% जीतने वाला हूँ दोस्तों। ऑल इन डॉक्टर डाल दे, उसने फोल्ड कर दिया शिट। तो मेरे पास देखिए 24-28 और ये 50-51 हो गया। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप खेलते रहते हैं और हाँ दोस्तों ये एक ग्रोइंग कंपनी है एक्चुअली अड्डा 52 पोकर। अगर आपको जुआ खेलना है तो आप इसके कुछ शेयर भी खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में कंपनी डेल्टा कॉर्प और ये बहुत पॉपुलर, और अभी फ़िलहाल में इसका जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं फिलहाल में, अभी 2020 चल रहा है ईयर और अभी इस पीरियड में इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प कंपनी के, और उसी की ये वेबसाइट है अड्डा 52 पोकर और डेल्टा कॉर्प कंपनी के कैसीनोज़ भी हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो आप कुछ पैसे उसमें भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि शेयर के दाम अभी बहुत कम गिरे हुए हैं जो मार्केट क्रेश आया है वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारण। तो इस कंडीशन में आप काफ़ी पैसा, मतलब कुछ पैसा आप चाहें तो डेल्टा कॉर्प में मैं फोल्ड कर देता हूँ क्योंकि एक भी नहीं है और किसी ना किसी का पेयर बन जाएगा, क्यों रिस्क लेना। तो इक्का होने के बावजूद भी मैंने छोड़ दिया देख रहे हैं, क्योंकि इधर 3 पत्तों में कुछ बन ही नहीं रहा था ना। तो हाँ मैं था डेल्टा कॉर्प कंपनी के शेयरों पे, तो अच्छी कंपनी है, अगर आपको शेयरों में दिलचस्पी हो, स्टॉक मार्केट में आप इंटरेस्ट लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो एटलीस्ट इससे लेसर गैम्बलिंग होता है, मतलब ये प्योर गैम्बलिंग है और जो आपका शेयर मार्केट होता है वो लेस, मतलब जुआ हो तो होता है लेकिन इतना बड़ा जुआ नहीं होता, उसमें दिमाग लगाते हैं आप तो और पेशेंस रखते हैं तो आपको पैसा मिलता है, इधर तो क्या है कि फुल रिस्क है भाई और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर आपका लक है और आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप है ना, आपको मान लीजिए एडिक्शन ही हो गया और या फिर आपके अंदर जीतने के बाद लालच, हारने के बाद भी गुस्सा आता है, मेरे ख्याल से किसी का स्ट्रेट बन रहा है यहाँ पर है ना। 80 ले ली, चेक कर लेते हैं, ज़्यादा डालने से कोई मतलब नहीं, कोई फ्लश बना लेगा और ये स्ट्रेट बन रहा है किसी का, फोल्ड कर दो भाई अपन, किसी का दहला होगा और वो फोल्ड कर देते हैं, चलो ये निकल, ओह मेरा ही फ्लश बन रहा था। अब क्या करें, कसम 80 ले दिला गुलाम बेगम, देख लो वो सामने वाले ने 10 डाल दिए भाई, ए मायरी, अगर उसके पास लाल हुआ तो ये सबके सब गवाएंगे, किसी के पास भी लाल हुआ मेरे ख्याल से छक्के से बड़ा लाल हो सकता है किसी के पास भी, और लेट्स ये निकला इक्का, अपन बच गया फिर से दोस्तों। तो बहुत ही खतरनाक गेम है और आपको बहुत संभल के खेलना पड़ता है। तभी अभी मैं फिर से 43 पे आ गया, देख लिया 50 रुपये लेके मैं एंटर हुआ था और मैं फिर से 43 पे आ गया, फिर उसको ऊपर बढ़ाने में फोल्ड कर दो फोल्ड कर देना पड़ता है। तो दोस्तों सेफ जोन में चलेंगे तो आप टिक पाएंगे और लालच ना करें, कम पैसों में खेलें और एज ए हॉबी खेलें इसको, प्रोफेशनल बनना बहुत रिस्की हो सकता है,
आपको एक देखिए आज मॉडर्न वर्ल्ड में अभी 21वीं जो 21st सेंचुरी है उसमें फ्लज बन गया भाई का 21st सेंचुरी है उसमें आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होना चाहिए, एक दो नहीं 5-10 सोर्सेज होना चाहिए, तब जाके आप कंफर्टेबल रह सकते हो। क्योंकि सरकार हमको पेंशन नहीं देगी फ्यूचर में, कोई से भी किसी भी गवर्नमेंट हो, पार्टी मैटर नहीं करती, फ्यूचर पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो आपके पास उस कंडीशन में बहुत सारे आपके पास ज़्यादा सोर्सेज होना चाहिए इनकम के, कुल मिला चाहिए अगर ज़्यादा सोर्सेज होंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 चाहिए जो आ नहीं रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी रेस करेगा तो हमको फोल्ड करना पड़ेगा दोस्तों, फोल्ड कर देते हैं। चलो ये रेस करा भाई ने, तो मैं काफ़ी सेफ खेल रहा हूँ और कुछ मिनट का गेम मैं और अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिट है। अगर आपका चैनल ना है तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता ज़्यादा लंबे वीडियो डालने को, तो मैं इसमें ज़्यादा लंबा नहीं डालूंगा वीडियो। तो ये एक मतलब इंडिया में अभी तक तो बेस्ट है 52 पोकर, तो आप इस पर खेल सकते हैं अगर आप खेलना चाहें तो, पोकर अगर इस पर खेलना चाहें तो आप ज़रूर खेल सकते हैं, ये अच्छा है। वो अच्छा इसीलिए कि इसमें जो पैसा लेन देन है वो सबसे ईजी, यूज़र फ्रेंडली है, सीधा हिसाब है, तो वो जनता को ये चाहिए, कोई झिकझिक नहीं चाहिए होती कि यार कहाँ ऑप्शन ढूंढो अंदर जाके और इश्यूज़ हैं, तो इतना इशू नहीं चाहिए, पब्लिक को यूज़र फ्रेंडली चाहिए होती चीज़ें। तो लेट्स सी, देखो अभी कुछ भी नहीं आया, किसी का भी बादशाह निकलेगा तो वो रेस करेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर अपना फ्लश बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, अब है प्रोबेबिलिटी, अब बढ़ रही है, लेट्स सी क्या होता है। अगर आखिरी चीड़ी आ गई तो हम रिस्क ले सकते हैं, चलो दो डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, शिट, चलो अब कोई मतलब नहीं, अब हमको फोल्ड ही करना है। यस, देखा देखा ना है, देखो हाई कार्ड का बना गया भाई, मुझे लग रहा था उसका कुछ पेयर होगा। तो आपको याद भी रखना पड़ता है, ऐसा गेम है पोकर, याद रखना पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। इसको मैं फोल्ड ही कर देता हूँ, सीधा सेफ जोन में खेलते हैं फिर से। तो कई स्मार्ट लोग भी होते हैं इसमें खेलते हैं, तो स्मार्ट पोकर का एक, पोकर के बारे में एक चीज़ कहा जाती है कि अगर आप इफ़ यू विन बिग, अगर आप जीते हैं तो आप बड़ा जीतते हैं पोकर, इसीलिए पोकर एक दिलचस्प गेम बन जाता है। और वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो होल्डम, टेक्सास होल्डम पोकर, पोकर होता है और वही चलता है वर्ल्ड वाइड, तो वो मोस्टली खेला जाता है। बाकी के बारे में मुझे पता नहीं, मुझे खेलना भी याद नहीं आता। और ऐप पर या वेबसाइट पर खेलना इसलिए, मोबाइल पर खेलना इसलिए ईजी हो जाता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि बिग वो बिग ब्लाइंड है, स्मॉल ब्लाइंड है, क्या है, आपका अचानक अपने आप ही वो अरेंज हो जाती है चीज़ें, पर आपको बस रेस करना और चेक करना, फोल्ड करने के ऑप्शन सामने दिख जाते हैं। तो मोबाइल पे खेलना बहुत इजी हो जाता है पोकर आपके लिए, लेकिन आपको उसके लिए सीखना पड़ता है। तो आप सीखेंगे तो आपके लिए सीखेंगे, दिमाग लगाएंगे, या भी एक ही कलर का है तो मैं इसको फिर भी फोल्ड कर देता हूँ, दूरी तिर रही है, आई शुड नॉट टेक एनी रिस्क, और हो सकता है कि इस रिस्क छोड़ने के चक्कर में मेरा नुकसान भी हो सके। तो दोस्तों लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, देखिए मैं बच गया, तो अगर लक आपका अच्छा है, कोई दिन आपका अच्छा है, तो आप उसमें कमा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, तो अगर आप खेल रहे हो तो मैं क्या बोलूँ, क्या बोलने को कुछ रहा क्या है अब अपने पास। तो 50 से 36 पे और हो सकता है किस दिन में 50, पहले दिन में क्या बहुत आगे चला गया था। और हाँ, ये लोग आपको बोनस देते हैं, बोनस मतलब आप 250 रुपये डालते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का बोनस देंगे, और वो पता नहीं क्या खेलने के लिए ही, हाँ खेलने के लिए ही देते हैं। मैंने ऐड किया है ऐसे, बोनस लिए मैंने, 250 रुपये डाले थे तो इन्होंने कुछ मुझे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दिए थे। तो आप अगर आप वो जीतते भी है ना तो आप विड्रॉल नहीं कर पाते वो पैसा, वो जो कॉइंस होते हैं पोकर जो बोनस वाले। तो इसको मैं खेलता तो वो आप विड्रॉल भी नहीं कर पाते, तो वो बोनस वगैरह का कोई मीनिंग नहीं होता। 5, 7, 4, 5, 7, 8, 6 कौन लाएगा भाई, 6 आ जाए तो मैं बच जाऊँगा, स्ट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ 3 ऑफ ए काइंड, तो 3 ऑफ ए काइंड से स्ट्रेट बड़ा होता है, वो 4 ऑफ ए काइंड ना बन जाए किसी का। भाई तू बड़ा मत, तू बड़ा मत, क्या करें, रिस्क ले लें। अगर 6 आ गया, 6 आने की प्रॉबिलिटी वैसे बहुत कम है, फिर भी चलो ले लेते हैं, अभी तक घेर लिया है तो 2 की रिस्क ले लो। अब कोई बढ़ाएगा तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब गेम ये फुल हाउस जा रहा है और हम हार चुके हैं क्लियरली, क्योंकि ये बढ़ा देगा, फॉल इन कर सकता है, कौन है ये राजू ही की, ये 2 बढ़ा दिया, अब हमें फोल्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो ये बेस्ट वेबसाइट लगी है मुझे अभी तक इंडिया में, 52 पोकर। और चलो अब इसमें हम खेल लेते हैं जुआ, टिकटू टू टू, पहले ही हमने रेस कर दिया इसको, और तो कोई फ़ायदा नहीं है रेस करने का अभी। ओह इधर किसी का फुल हाउस बन रहा है टिक्के में, लेकिन मेरे ख्याल से किसी के पास है नहीं है, अगर ढेला निकल गया तो कोई बढ़ा सकता है, मेरे ख्याल से हम जीत सकते हैं इसमें। यस हम जीत गए, लेकिन कोई खासी रकम नहीं आई। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ, अभी इसको मैं चेक फोल्ड कर देता हूँ, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिट कम है और ऑलरेडी, अरे ना दुर्री पंजी अभी, चलो ये गेम का मज़ा और ले लेता हूँ मैं। 8 सीधा लंबी रिस्क लगाते हैं हम, भाग गए क्या, आ जाओ दोस्तों आ जाओ, किस मैदान में आ जाओ, और सब फोल्ड कर दिया और हमने कुछ पॉइंट्स और बना लिए हैं, दैट्स गुड।
और ये मेरा लिस्ट आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेम के साथ। बाय।